खटीमा में ओवरलोड वाहन बने ब्रिटिशकालीन पुल के लिए खतरा। बताते चले कि खटीमा छनकैया के बीच बना ब्रिटिशकालीन पुल काफी जर्जर स्थिति में है। इस पुल पर भारी वाहन की आवाजाही से पुल टूटने का खतरा बना रहता है। पुल के दूसरी ओर अप्रोच में दरार पड़ रही है। यह पुल खटीमा छनकैया के साथ साथ मेलाघाट और नेपाल के लिए भी आवाजाही के लिए प्रयोग होता है। इस पुल से होकर पूरनपुर, पलिया, लखीमपुर खीरी, गोला, लखनऊ सहित कई जगह आवाजाही होती है। वहीं पूर्णागिरी मेले के दौरान उत्तर प्रदेश के हजारों लाखों श्रद्धालु इस पुल से आवाजाही करते हैं, लेकिन पुल को बने हुए 100 साल से अधिक हो चुके हैं। ब्रिटिशकालीन यह पुल काफ़ी जर्जर स्थिति में है। पूर्व में भी इस पुल में लोक निर्माण विभाग ने अप्रोच में दरार आने पर बीचिंग का काम किया था। 2 साल पहले उत्तराखंड सरकार ने भी कई जगह पुराने पुल गिरने के बाद पुल पर वाहन भार क्षमता के बोर्ड लगाए जाने और ओवरलोड वाहन के पुराने पुलों से न निकलने के निर्देश दिए थे। 2 साल पूर्व पैनिया मार्ग पर बना पुल जो ब्रिटिशकालीन था, वह भी भारी वाहनों की आवाजाही से टूट गया था। अब इस छनकैया पुल के दूसरी ओर अप्रोच पुल में दरार आ चुकी है। पुल में भारी वाहन की आवाजाही किसी भी समय हादसों का सबक बन सकती है। पुल पर लोक निर्माण विभाग ने 16.2 टन से अधिक भार ले जा रहे वाहन के लिए ही खतरा बताया है और पुल पर बोर्ड लगा दिया था। इसके बावजूद इस पुल से 30 टन, 40 टन और इससे अधिक बजरी, रेता, पत्थर के ट्रक गुजर रहे हैं। यदि यह पुल टूटता है तो नेपाल सहित उत्तर प्रदेश के लोगों का खटीमा से संपर्क टूट जाता है। इस मामले में खटीमा CEO मनोज ठाकुर ने कहा कि पुलिस लगातार ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब भी ओवरलोड गाड़ी चल रही है और ऐसे वाहन पर कार्रवाई की जाएगी। और उधर से जो ओवरलोड के गाड़ियां आने की शिकायत पहले प्राप्त हुई है तो उसमें हमारे द्वारा चालान की कार्रवाई भी की गई है, लेकिन अगर इस टाइप की गाड़ियां अभी भी चल रही हैं तो उस पर जरूर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसमें लगातार हम लोग फोकस करते रहेंगे।